जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और इतना ही नहीं, जय शाह आईसीसी के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष भी होंगे। लगातार तीन बार से आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद जय शाह को इस पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। आईसीसी के सबसे ऊंचे पद पर जय शाह के नियुक्त होने के बाद सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की लाइन लग गई है। पूरे क्रिकेट जगत से उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। जय शाह को उनके इस नए रोल पर बधाई देने वालों में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, पूर्व कोच रवि शास्त्री और मौजूदा कोच गौतम गंभीर जैसे नाम शामिल हैं। भारत के कोच गौतम गंभीर ने जय शाह के शानदार नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, बहुत बहुत बधाई जय शाह भाई, मुझे पता है कि आपके शानदार नेतृत्व में विश्व क्रिकेट काफी आगे बढ़ेगा। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी जय शाह को बधाई देते हुए लिखा, आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन चुने जाने पर जय शाह भाई को बधाई, आपको क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार है। आपका विजन और जुनून आईसीसी की मदद करेगा, ठीक वैसे ही जैसे बीसीसीआई के साथ हुआ। आपको बता दें कि जय शाह के नेतृत्व में बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बना है, साथ ही पूरी दुनिया में क्रिकेट को काफी आगे भी बढ़ाया है। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी जय शाह को बधाई देते हुए लिखा, आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त होने पर बधाई, शुभकामनाएं जय शाह भाई। भारतीय टीम के पूर्व कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने भी जय शाह को निर्विरोध चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं जाहिर करते हुए लिखा, जय शाह को आईसीसी चेयरमैन के रूप में निर्विरोध चुने जाने पर बधाई, सिर्फ 35 साल की उम्र में अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन, बीसीसीआई को चलाने का उनका अनुभव निसंदेह उनके लिए बहुत काम आएगा। क्रिकेट वर्ल्ड को इस समय निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जय शाह विश्व क्रिकेट और आईसीसी को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने और उन्हें दूसरे स्तर पर ले जाने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। इसके अलावा कई अन्य खिलाड़ी जैसे मोहम्मद सिराज, स्मृति मानधना, बीसीसीआई प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, पूर्व खिलाड़ी अनिल कुंबले सहित कई अन्य लोगों ने भी जय शाह को बधाइयां दी हैं। जय शाह ने निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद कहा कि वह क्रिकेट को ग्लोबली और भी ज्यादा प्रमोट करने को लेकर काम करेंगे, साथ ही 2028 में ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल होने पर उसे और भी बेहतर तरीके से प्रमोट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जय शाह के नेतृत्व में विश्व क्रिकेट अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।